घर घर में श्री गणराज का आगमन हो चुका है और इस गणराज की एक सबसे खूबसूरत मूर्त अपने आंखों में बसाने के लिए मुंबई के हजारों भक्तगण जहां पर चले आते हैं वो है किंग सर्कल का जीएसबी सेवा मंडल का श्री गणेश। इस श्री गणेश की मूर्त आप देख रहे हैं, इसकी छवि, इसकी प्रतिमा आप देख रहे हैं, 70 किलो सोने से बनाई गई ये श्री गणेश जी की मूर्त है। 300 किलो से ही ज्यादा चांदी इसमें लगाई गई है। इसका मखर आप देखेंगे, इसकी सजावट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुंबई का सबसे अमीर गणपति करके इसको पहचाना जाता है। ये श्री गणेश इतना अमीर है कि कई किलो सोना चांदी, इसके अलावा हीरे और बाकी कई सारी चीजें इसमें लगती है। इस मंडल के ट्रस्टी फिलहाल हमारे साथ है। इस गणेश जी को बिल्कुल अमीर गणेश जी के नाम से जाना जाता है, आपका मंडल भी काफी अमीर है। इस साल क्या खासियत है, कितना किलो सोना और चांदी इसमें, इसकी सजावट में लगाया गया है? इस साल गणपति बप्पा के ऊपर 70 किलो सोना और 350 किलो चांदी का सजावट किया गया है। इसके अपरूप फूल का, पुष्प का भी हम लोग अलंकार करते हैं। कम से कम 5 दिनों में 6 टन पुष्प वापरने वाले, यूज करने वाले हैं। इसके बावजूद हम लोग दान भी करते हैं, जो भगवान के यहाँ भक्त लोग, श्रद्धालु लोग लाखों संख्या में 5 दिन में आते हैं वो यहाँ पे दान करते हैं। हम इस साल जो केरल में अभी जो बाढ़ आई थी हाल ही में, उसके देखते हुए हमने केरल में जाके 8 गांवों को अडॉप्ट किया हुआ है, 400 घरों को अडॉप्ट किया है। इसके लिए हमने 1.10 कोटी रुपया का अलग से बजट बनाकर उनको हम लोग उसमें हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। बिल्कुल, मतलब ये श्री गणेश जितना अमीर है उतना दानशूर भी है और इसीलिए इस गणेश जी के दर्शन के लिए सुबह से ही मुंबई के हजारों भक्तगण यहाँ पर चले आते हैं। सुबह से ही लंबी कतारें यहाँ पर हमें देखने मिलती है और इसीलिए इस अमीर और एक दानशूर गणेश जी की प्रतिमा को अपने आंखों में बिठाने के लिए, उसका आशीर्वाद लेने के लिए हजारों भक्तगण जीएसबी सेवा मंडल के इस गणेश जी का दर्शन करने चले आते हैं। कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ मनीष पाठक, एबीपी न्यूज मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।